ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਜਲਾਸ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਗਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अगला यानी कि अंजाम तक पहुँच चुकी है सारी दी सारी गलबात। इस सारी कहानी दे विच मुख पात्र दे तौर ते जेकर कोई उभरिया है अते ओ उभरिया है सीएम भगवंत मान। सीएम भगवंत मान दे वल्लों लए गए फैसले अते उन्हां फैसलियां दे उपर लगातार जिहड़ियां हैगियां ने विरोधियां दे वल्लों कीतियां जा रहियां टिप्पणियां बयानबाजियां हमेशा तो ही चर्चा दे विच रहियां ने अते इस वार भी चर्चा दे विच आ चुकियां ने। इस सब के दरमियान खास तौर पर जिक्र खास के तौर पर जेकर गल करिए तो उस हमेशा की तरह एक जड़ा है विवाद सारिया दजरों के खटकता रहा जड़ा विवाद से वह विवाद कितना कित घूम घुमा के जुड़ चुका है। एक बार फिर तो विवाद दिना तो यह विवाद से गुरद्वारा साहिब के चल रहे गुरबाणी के प्रसारण के बारे में। इस बारे में उन्होंने वालों कहा गया कि आखिर क्यों सिर्फ गुरबाणी नूं कुछ ही निजी चैनलों का खास तौर पर इस दे विच उन्हां दे वल्लों जेकर मैं जिक्र करां तां पीटीसी दा उन्हां दे वल्लों जिक्र किया गया सी तां उन्हां दे वल्लों पीटीसी अते नाल दी नाल सुखबीर सिंह बादल नूं जोड़ के गलबात कही गई सी। उन्हां दे वल्लों कहा गया सी कि गुरबाणी नूं सिर्फ किसी एक चैनल यानी कि प्राइवेट या निजी चैनल की ही मलकीयत क्यों बनन दिता जाए। इस दे बारे में उन्होंने ये भी कहा कि आखिर किस तरह के नाल असी यह मन लईए कि एस जी पी सी दे वल्लों लए गए फैसले जो ने वह हमेशा तो ही गुरबाणी के प्रचार के प्रसार के वास्ते जो लए गए फैसले से वह उस चीज़ को मैच करते हैं। इस तो अलावा उन्होंने इस सब के दरम्यान होर की आख्या कि गलों के बारे में उन्होंने अपने विचार का प्रगटावा किया है। आओ पहला सुनते हैं इस सारी की सारी गलबात। 11 साल हो गए जी एक चैनल चलाई जांदा जी 21 जुलाई नूं खत्म हो रहा एग्रीमेंट 2023 च 12 च दिता सी। पहली गल तां इह है जी जे 5 साल तो बाद किसी भी देश दे संविधान मुताबक किसी भी संस्था च इलैक्शन ना होवे उह गैर लोकतंत्रिक हो जांदी है। श्रोमणी कमेटी के 11 साल हो गए जी इलैक्शन ही नहीं हुई वो आप गैर लोकतंत्रक ने आप कार्यकारी ने जिहड़े कल कार्यकारी जथेदार साहब नूं उतार रहे सी आप कार्यकारी ने ते मैं कदों कहना जी कि मेरे किसी चैनल नूं दे दो ना मेरा कोई चैनल है ना मेरे रिश्तेदार का कोई माफिया है। इस गलते तो पीटीसी वालों नूं पीटीसी के मालकां नूं चलो छड्डो बादलां नूं उन्होंने खुश होना चाहिए कि जिहड़ी चीज पहले सानू मुल मिलती सी सानू फ्री मिला करूगी उन्होंने दिक्कत की है जी। मैं दसदा दिक्कत की है क्योंकि मैं कला आर्ट वाले फील्ड रिलेटड हाँ। ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी उन्होंने पिछले साल यह हुक्म किया एस जी पी सी कि तुम अपना चैनल बनाओ तो वो गुरबाणी आनी चाहिए वो क्यों नहीं मनी जी नहीं मनी बना रहे चैनल नहीं वंड देंदे हो वो बैठे ने वो कहते ना ये साडा ही है ये तो कब्जा साडा है। मैं दसदा ये पैसे किवें कमाउंदे आ धामी साहब तो चलो उन्होंने प्रधान ने लाए हुए ने कल उन्होंने भी कह देंगे कार्यकारी सी चल भी तू वो कहते फ्री टू एयर तो हैगी है जी असी कदों किसी ने कुछ कहने फ्री टू एयर नहीं हैगी मीडिया वाले बैठे है जे फ्री टू एयर होंगी बाकी चैनल तो क्यों नहीं आती कि वो बाकी चैनल गुरबाणी पसंद नहीं करते जब बाकी चैनलों सुनने वाले दर्शक गुरबाणी पसंद नहीं करते। फ्री टू एयर नहीं हैगी जी एक्सकलूसिव राइट्स ने इनू इंग्लिश कहते हैं सर इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंटलैक्चुअल वकील बैठे होंगे इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है कि मैं ही इस कॉन्टेंट का मालक हाँ। एक वे मालक बन गए सर गुरु नानक देव जी ने बाणी उचरी भगतों की पट्टों की बाणी है बिच गुरु अर्जन साहब ने कंपाइल की मालक ये बन के बह गए कि इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट साढ़े को नहीं सर हो ही नहीं सकता है। तो इसे करके इन्हों हम दुख हो रहा क्योंकि मैनू सारा पता है हम पैसे किमें कमाते हैं तुम कहने ना जी गुरबाणी तो जी बिल्कुल पीटीसी जिते मर्जी ला लो जी कोई ऐड नहीं आती जी है ना वो वास्ते ऐड आना जरूरी नहीं होंगे सर
अमरीका कनेडा इंग्लैंड आस्ट्रेलिया पूरी दुनिया पंजाबी वसते उसे जो पी टी सी लवाना है अपने घरें तीन चार चैनल का पैकेज होगा $54 लगते हैं जी अमरीका कनेडा च जो पी टी सी लवाना है और लवाना ही पैना है क्योंकि गुरबाणी सुननी है गुरबाणी घरें चलती हो बरकत आती है जी हरेक दे घरे चलती है बहुत सारे बैठे लोग गुरबाणी चलती है शाम नूं सवेरे हुक्मनामा अरदास सुनते हैं वो $54 एक टीवी दा जी देख लो हुण किन्ने टीवी ने फिर तो फिर उस गुरबाणी करके TRP टैलीविजन रेटिंग पॉइंट TRP बढ़ जाती है जी कि जी 2 घंटे सवेरे 2 घंटे शाम को यह चैनल लोगों वालों देखा गया वो विज्ञापन वो आते हैं जी उस चैनल के कि यार इन्होंने गल करो इन्हों लोग देखते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वायल अपहोल्डिंग द वैलिडिटी ऑफ हरियाणा सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट एक्ट 2014 डिसमिस द पटीशन ऑफ SGPC एंड फर्दर हेल्ड दैट द स्टेट वुड हैव पावर टू लैजिस्ट्रेट बोथ अंडर एंट्री 228 जन के 28 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट और एंट्री 32 ऑफ द स्टेट लिस्ट प्रोवाइडेड इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिस इज अ स्टेट एक्ट दिस इज नॉट अ सेंट्रल एक्ट धामी साहब वकील ने मैं हद है कितों की वकालत मैं इतनी शक पड़ लग गया हूं हद पढ़ो इट्स अ स्टेट एक्ट सुप्रीम कोर्ट तो खुद SGPC अपनी डिसमिस करा के आई है फाइल कि स्टेट एक्ट जाओ इतों माने स्पीकर साहब मैं प्रस्ताव करता हाँ कि द सिख गुरद्वारा अमेंडमेंट बिल 2023 पास किया जाए प्रश्न है कि सिख गुरद्वारा सोधना बिल 2023 पास किया जाए जेड़े माणयोग मैंबर प्रस्ताव के हक विच हैं वह हाँ कहन जेड़े माणयोग मैंबर प्रस्ताव के विरुद्ध हैं वह ना कहन मैं समझदा हाँ हाँ पकड़ीत है हाँ पकड़ीत है प्रस्ताव स्वीकार होया इस तो अलावा उन्होंने वालों नाल दी नाल केंद्र सरकार के उपर भी रुख अख्तियार किया गया है जी हाँ उन्होंने वालों इस रुख नू अख्तियार किया गया है विरोधता दे जाहिर दे विच अते खास तौर पर इतने जिक्र किया गया सी RDF अते खास तौर पर रुके हुए फंडा दे बारे विच इस सारे वो फंड सी जो कि लगातार किसी न किसी कारण दे स्वरूप रोक दिते गए अते उन्हां दे उपर बैन लगाउण तक दी नौबत सामने आउण दे विच उन्हां दे बाद गलबात जो सी ओह किते ना किते चलदी चलदी रुक गई अते इस दे बारे मुख्यमंत्री भगवंत मान के वालों कहा गया कि मेरे वालों बहुत बार इस बारे में केंद्र सरकार के कई कैबिनेट के मंत्रियों के नाल वार्तालाप की गई है कई बार उन्होंने इस बारे में चिट्ठिया लिखिया गई कि पंजाब के फंडा आखिर क्यों रोकया जा रहा है कुछ अंकड़ों के मुताबिक ये अंकड़े जो ने 5800 करोड़ टच कर जाते हैं हुण एग्जैक्ट फिगर जो है वह इस बारे 5800 करोड़ है परंतु इस तो इलावा भी जोड़े है फंड उन्होंने वालों कहा गया से तो इन फंडा के बारे में भी उन्होंने वालों कहा गया तो नाल दी नाल उन्होंने वालों पंजाब के राजपाल बनवारी लाल पुरोहित उस तो इलावा भाजपा दियाँ कुछ जो एक्टिविटीज़ ने उसके बारे में भी टिप्पणियां की गई उन्होंने वालों कहा गया से कि भाजपा के वालों जिन्हें भी गैर भाजपा वाली सरकार ने सारे सूबे उन्होंने विरोधता जाहिर करने के वास्ते उन्होंने कम ना कर देने वास्ते अपने अपने कुछ लोग जो ने फिट किए गए हैं उन्होंने वालों इशारा जो सी डायरैक्टली या फिर इनडायरैक्टली तौर पर पंजाब के गवर्नर के वल किया गया सी तो इस दरम्यान उन्होंने की कहा आओ ये भी सुनो सो सेंटर जिहड़ा ना ਉਹ ਨੌਨ BJP ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦੇ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕੱਲੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੁਕੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੈਸੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ अंग्रेजों में तो होंगे कामे वायस राय घर भी उन्होंने उही ने बड़े बड़े तोपा लगिया ने मतलब घर के मूहे तोपा लगिया ने बंदा कौन अंदर बढ़ने की हिम्मत कर लूगा
वो की करते रहेंगे जे दो तीन दिन तंग ना कर किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर कोई चिट्ठी ना लिखन या फिर कोई पंगा ना पाउन तो फिर सेंटर सरकार वालों फोन आता तैनू राजपाल लाए का की फायदा भी ये मैं कोई RDF बारे कोई होमवर्क नहीं लिख के लिया मैं किसी बिल बारे लिख के नहीं लिया यह मानयोग राजपाल दे मैनू लिखे हुए लव लैटर नहीं जी अब कोई इन्ने नहीं वेले बैठे उत्थे हे कम ते ने चाके लैटर लिख दो फिर कहे जवाब क्यों नहीं दिंदे देख रही होगी लाइव टेलीकास्ट भाई कांग्रेसी भी पिंडां जाणगे तां पिंडां वाले पुछणगे भी जिते RDF ते गल चलदी सी सेंटर दे विरुद्ध बोलना सी मता पास करना सी उत्थे क्यों नहीं गए उम्मीद भी करदा कि केंद्र सरकार बड़ी जल्दी आ एक अद्धे हफ्ते च ही सानू फंड जारी कर दूगी नहीं तो फिर 1 जुलाई नू सुप्रीम कोर्ट खुल रही है सर बहुत बहुत धन्यवाद। इस तो अलावा उन्होंने पंजाब दे विच नाल दी नाल अपने गवर्नर साहब दे वल्लों आईयां होईयां चिट्ठियां नू भी नशर किया उन्होंने वल्लों जाहिर किया गया कि किस तरह दे नाल राजपाल साहब दे वल्लों सानू चिट्ठियां भेज के इस दे बारे विच आगाह किया जाता रहा है कि इस विशेष सैशन की इस इजलास की जरूरत ही नहीं सी बाकी जो विषय से उन्होंने बाद दे विच भी जिक्र किया जा सकता सी उस दे बारे विच बाद दे विच जो आने वाला सैशन है उस दे विच भी चर्चावां कीतियां जा सकदियां सी अते इस दरम्यान उन्होंने जो चिट्ठी नशर की इस दे बारे विच की उन्होंने वल्लों कहा गया ये भी सुनो। स्पीकर साहब तुम सोच सकते हो कि यह इस मैं कोई RDF बारे कोई होमवर्क नहीं लिख के लिया मैं किसी बिल बारे लिख के नहीं लिया यह मानयोग राजपाल दे मैनू लिखे हुए लव लैटर नहीं जी अब कोई इन्ने नहीं वेले बैठे उत्थे हे कम ते ने चाके लैटर लिख दो फिर कहे जवाब क्यों नहीं दिंदे सरकार चला लैन दो जी इलैक्टड हाँ एस हाउस बारे भी कहने सी की जरूरत सी अच्छा उन्होंने की पता की जरूरत सी पंजाब च RDF की जरूरत है नहीं सी आ मेरे साथी चले गए चलो खैर उतना ही हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कोई जवाब है नहीं असल च मैं तो कहना अगली बार स्पीकर साहब इन्होंने बुलाया ही ना करो 15 मिनट जाना होंगे फायदा कोई वो कोई ना कोई रौला पा के बाहर निकल जाते इस वक्त घर जाके आराम ना सौंगे होने तो AC ला के आ लैटर ने जी जवाब भी दिने जी बहुत जवाब दिने बहुत कह दें भी थोड़ा टाइम मिल जाए तो जवाब दे देंगे कोई गल नहीं सो ये RDF का ये लिंक है जी फर्ज बनता गवर्नर का कि वो पंजाब के हक के उपर जाके सिफारिश करे कि पंजाब का पैसा दो गवर्नर पंजाब है वह उल्टा करता यूनिवर्सिटी बारे हरियाणे वालों बोली जाता होंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी के हरियाणे के कॉलेज पा लो मैं पूछा उन्होंने मैं तुम कि पास आए हो अज हरियाणे वालों या पंजाब वालों सो मतलब सीधे ही हो गया कि जो राजभवन ने वह सत्ताधारी पार्टी के दफ्तर बन गए मुख दफ्तर हैड ऑफिस बन गए कोई पैसा नहीं आन देंगे कोई स्कीम नहीं आन देंगे साडा हक बनता से भीख मंग रहे हैं RDF का पैसा साडा अपना है 3622 करोड़ है जी 3622 करोड़ नाल पूरे पंजाब दी सड़कां चमका देंगे। अते इस सब दे दरम्यान नाल दी नाल चर्चा दे विच फिर तो एक बार फिर तो जो चर्चा जिथों शुरू हुई सी उत्थे ही आके खत्म हुंदी है अते वह खत्म हुंदी है गुरबाणी दे प्रचार प्रसार अते खास तौर ते प्रसारण दे बारे विच TRP दे बारे विच ऐड दे बारे विच अते बहुत सारे होर चीज़ां ते जो गलबात सारी घूमती है वह घूमती है गुरद्वारा अमेंडमेंट एक्ट ते आले दुआले एक गुरद्वारा एक्ट जो है 1925 का 2023 आई हुई इस दे उपर सोध यानी कि अमेंडमेंट जो है उस दे बारे विच उन्होंने वालों कहा गया कि असी इस दे बारे विच सोध करन जा रहे हैं। इस तो अलावा उन्होंने इस दे विच खास तौर पर यह जरूर कहा अते साफ किया कि SGPC नू इस दे विच दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए बल्कि उन्होंने साढ़े नाल मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के इस दे बारे विच साथ देना चाहिए है अते नाल दी नाल उन्होंने वालों जो
ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਪਰੰਤੂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਲਫਾਜ਼ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਤੌਰ PTC ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੋ। 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 2023 'ਚ, 12 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਆਪ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਨੇ, ਆਪ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤਾਂ PTC ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, PTC ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਲਾ ਆਰਟ ਵਾਲੇ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹਾਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ, ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਸਰਵਉੱਚ ਪਦਵੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ SGPC ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਬਣਾ ਲਏ ਚੈਨਲ, ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਡਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੀ ਚੱਲ ਵੀ ਤੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਏਅਰ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ? ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਏਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬੈਠਿਆ। ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਏਅਰ ਹੁੰਦੀ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਏਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟ, ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ, ਵਕੀਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਇਸ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਕੰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਸਰ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਰੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਪਾਇਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕਿ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ PTC ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਐਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਨਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਡ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਸਦੇ। ਉੱਥੇ ਜੇ PTC ਲਵਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ, 3-4 ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੋਊਗਾ, $54 ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜੇ PTC ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਵਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਘਰ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਬਰਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।
$54 एक टीवी दा जी, देख लो हुण किन्ने टीवी ने। फिर ते फिर उस गुरबाणी करके टीआरपी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट टीआरपी बढ़ जाती है जी कि जी 2 घंटे सवेरे 2 घंटे शाम नू ए चैनल लोकां वल्लों देखा गया, उहदे नाल विज्ञापन उहदे नाल आउंदे ने जी उस चैनल दे कि यार इन्हां नाल गल करो, इन्हां लोग देखते हैं, ऐ आउंदे आ जी, ताइयों पिटदे आ जी, होर इन्हां नू की लोड़ है। इस सब दे दरम्यान नाल दी नाल उन्होंने वालों एक बहुत ही खास किस्सा जो सी सुनाया गया अते इस किस्से दे विच उन्होंने वालों अपने घर की एक जो छोटी जिही कहानी सी उस दे बारे विच एक झात पाई गई अते नाल दी नाल इस किस्से दे विच उन्होंने वालों दस्या गया कि किवें पंजाब दे विच ज़्यादातर जो घर ने उन्हां घरां दे विच एक पुत नूं जेकर पढ़ाई दे विच किते जाके नाकामयाबी मिल जाती है तो उस तरी किस तरह दे नाल पढ़ाई नूं रोक लिता जाता है अते इस चीज़ नूं जाहिर करन दे वास्ते उन्होंने वालों अपने पिता अते अपने चाचा जी की एक जो कहानी सी उह दसी गई अते उस कहानी दे विच उन्होंने यह कबूल किया कि किस तरह दे नाल जिंदगी दे विच अगे वधदे वधदे तुहानूं जेकर कदे फेलियर होण दा मौका मिल भी जाता है तो उसका मतलब यह नहीं कि तुसीं रुक जाओ अते तुसीं उसे जगह दे उपर अपनी जिंदगी नूं महदूद कर लवो, तुहाडे वास्ते यह मौका हुंदा है। खास तौर पर उन्होंने वालों अध्यापकों इस दे बारे में कहा गया कि अध्यापकों का पहला का जो किरदार सी हुण तक जिहड़े किरदार ने उन्होंने सारे के दरम्यान काफ़ी अंतर आया है अते इस सब के दरम्यान उन्होंने वालों मोटिवेशनल तौर पर कुछ अल्फाज जिहड़े ने आखे गए ने पंजाब के अध्यापकों को मुखातिब भी किया गया है अते की कहा गया है ये भी सुनो। पंजवीं चो एक फस्ट आ गया एक सैकेंड आ गया पर छेवीं दे विच गए नहीं, मतलब स्कूल च नहीं गए। टीचर ने 5-7 दिन 10 दिन स्पीकर साहब वेट की थी। 10-11 दिन बाद जिहड़ा टीचर सी किन्नी डेडिकेशन सी टीचरां दी एक गल मैं दसनी चाहना। मास्टर कालीचरण उन्हां दा नाम सी सुनाम तो सी, वह घरे गए साढ़े कहिंदे भी थोड़े दोनों बच्चे आ नहीं रहे, वो तो फस्ट सैकेंड आए ने। तो मेरी दादी सी घरे, कहिंदे भाई खेत गल कर लो इन्हां दे प्यो नाल। तो खेत चला गया टीचर, तो मेरे डैडी होरी तो मेरे चाचा जी कोई छोटा मोटा काम कर रहे थे उस उम्र मुताबक जो भी, तो टीचर ने कहा मेरे दादा जी नूं कि तेरे दोनों बच्चे बहुत इंटेलीजेंट ने, स्कूल भेज इन्हों, कहिंदा मैं तो खेती का काम कराना है। नहीं नहीं तू मैं लैके जाना इन्हों, तो दादा जी कहिंदे एक नूं लै जाना चो, फिर वो मेरे डैडी नूं लै गए। मेरे डैडी MA BSc BEd तो मेरे चाचा जी पांचवीं पास रह गए। जे कि टीचर उत्ते ना आता खेत तो शायद मेरे डैडी भी पांचवीं पास ही रहिंदे कि नहीं रह गए होणगे इदा। सो टीचर च भी आपां ये डेडिकेशन भरीए कि थोड़ा काम कला 8 बजे आके 2 बजे जाना नहीं है, थोड़ा काम फ्यूचर बनाना लोगों का। इस सब के दरम्यान नाल दी नाल अखीर दे विच जिक्र करना चाहांगे उस गल दा जिस दे बारे विच बहुत ही जो खास तौर पर गलबात चलती रही सी अते ओ सी यूनिवर्सिटीज़ दे चांसलर दे बारे विच। तां हुण पंजाब यूनिवर्सिटीज़ दे जिहड़े चांसलर ने उस दे बारे विच इक सोध लिआती गई है, एक जिहड़ा ला दे विच सोध आउण तों बाद उहनां दे वल्लों इह क्लीयर कर दिता गया है कि इस वक्त जो पहला दे पैरामीटर चल रहे सी उन्हां नूं असीं बदलन जा रहे हैं, जिथे कि उन्हां दे वल्लों कहा गया कि चांसलर जो सी वह हमेशा तो ही गवर्नर जो हुंदा है सूबे का वह हुंदा सी, परंतु उन्हां दे वल्लों इस सोध तो बाद फैसला लिया गया है कि चांसलर जो है वह चांसलर की पदवी के उपर गवर्नर की बजाए हुण मुख्यमंत्री का नाम चलेगा। अते उन्हां दे वल्लों इस सोध नूं किस अंदाज दे विच पास करवाया गया अते किहड़ी उन्हां दे वल्लों खास तौर पर गल कही गई ये भी सुनो। वो किते बंद होने दे किनारे ना चली जाए, जे मैडिकल यूनिवर्सिटी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी है फरीदकोट, पंजाब टैक्नीकल यूनिवर्सिटी है सर, हुण दिक्कत की आउंदी है? दिक्कत आउंदी है कि जे देखो पिंड का सरपंच वधिया हो गए तो पिंड का कल्याण हो जाता, डीसी वधिया आ जाए तो जिले का कल्याण हो जाता, MLA वधिया आ जाए तो हल्के का कल्याण हो जाता, MP वधिया आ जाए 9 हल्कों का कल्याण हो जाता, मुख्यमंत्री वधिया आ जाए तो सूबे का कल्याण हो जाता, प्रधानमंत्री वधिया आ जाए तो देश का कल्याण हो जाता। यूनिवर्सिटी के BC वधिया आ जाए तो कल्याण हो जाता,
वीसी की जे ये चाहत हो कि मैं इस संस्था को उपर लेके जाना है तो कोई रोक ही नहीं सकता उस संस्था को उपर जाने तो भावें स्पोर्ट्स हो अकैडमिक फील्ड हो कला च हो जिधर मर्जी हो। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की गल कर लो सर, बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के गुरु तेग बहादुर हाल के परफॉर्म करके बड़े बने ने। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का बड़ा इतिहास है सर, मनमोहन सिंह जी तो लैके अनुपम खेर किड्डे किड्डे बड़े बड़े कलाकार बिजनेसमैन इस यूनिवर्सिटी के एलुमनी ने। दिक्कत आती है चुने हुए हैं पंजाब के कल्चर को जानते हैं वीसी लाना चाहते हैं वधिया, पर फिर उही गल एक उधरों भेजा हुआ तह तो पता नहीं महाराष्ट्र तो होगा या नागालैंड तो होगा, पता नहीं कितों होगा वो कहना भी तुम तीन ना लिख के दो मैं चुनू फिर उन्होंने चो तुम नहीं चुन सकते। तो हुण इन्हां सारिआं दे दरम्यान अते इन्हां सारिआं गल्लां बातां दे दरम्यान यह दो दिनां दा विशेष इजलास जो कि 19 अते 20 जून नूं मुकम्मल होया है। इस दरम्यान बहुत सारिआं गल्लां अजिहीआं सी जिन्हां दे बारे विच टिप्पणियां जो सी विरोधियों दे वल्लों कीतीआं गईआं अते विरोधी पार्टियां दे वल्लों इस दे बारे विच काफ़ी सख्ती दे नाल रुख भी अख्तियार कीते गए अते नाल दी नाल बहुत सारिआं डिस्कशनस दे दरम्यान बहुत सारिआं चर्चावां दे दरम्यान इस दे बारे विच इह गल जरूर लोकां दे वल्लों कबूल कीती गई है कि कुछ चीज़ां दी जरूरत जरूर सी अते खास तौर पर कुछ विरोधी पार्टियां तक के वलों गुरबाणी के प्रसारण के बारे में किए गए फैसले को खिड़े मत्थे प्रवान किया गया है और इस सर्बसम्मति दे नाल पास किए जाने तो बाद लोगों के वलों इस दे बारे में कितना कित इसकी जी है स्पष्टता इसकी जी एक पॉजिटिवनैस है उसनों कबूल कर भी आख्या गया है कि इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत सी। इस दे बारे में उन्होंने वलों कहा गया है कि आने वाले जुलाई महीने के पी टी सी का जोड़ा टेंडर है वह पूरा हो जाएगा तो उस तो बाद जो है प्रसारण बिल्कुल हर एक चैनल के उपर मुफ्त वेखन सुनन मिलेगा तो बिल्कुल किसी भी बंदे इस दे बारे में कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। अते उस तो अलावा उन्होंने वालों इस सब के दरम्यान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी के उपर भी शब्दी वार किए गए। उन्होंने वालों आख्या गया कि इस दे दरम्यान तुहानू यह याद रखना चाहिए है कि जो गुरबाणी का प्रसारण है वह सारे वास्ते मुफ्त हो इस सब के दरम्यान टेंडर दे होण जां फिर ना होण दा कोई सवाल खड़ा ही नहीं हुंदा। अते उन्हां तों इलावा इस सब के दरम्यान कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल दे वल्लों भी आखी गई है गल। उन्हां दे वल्लों कहा गया है कि इस तरह के अल्फाज बोलण तों बाद खुद एस जी पी सी के प्रधान नूं अपने अल्फाज वापस लैने चाहिए ने क्योंकि गुरबाणी का जो मसला जो फिर गलबात उठती है तो उस वक्त असी किसी भी तरह के नाल इस दे विच टेंडर का नाम जोड़ ही नहीं सकते। किस तरह के नाल उन्हां दे वल्लों यह अल्फाज इस्तेमाल किए गए ने यह काफ़ी ज़्यादा निंदन योग है। परंतु हुण इस सब के दरम्यान जो फैसले लै गए ने इस दे विच सियासी गलियारां दे विच एक बार तरथली जरूर मच गई है अते हुण आने वाले वक्त दे विच अलग अलग विरोधी पार्टियां दे वल्लों किस तरह दीआं प्रतिक्रियावां आउणगीआं इस दे उपर सारिआं दीआं नज़रां लगातार बणिया हुईआं ने। बाकी इसे प्रकार दीआं होर खबरां जानण सुणन अते वेखण दे वास्ते जुड़े रहो साडे नाल वर्ल्ड पंजाबी टीवी ते। इस दे नाल ही इम्तियाज़ बराड़ नूं दिओ इजाज़त, सत श्री अकाल।